सबसे पहले समझेंगे कि डिजिटल गुड्स क्या होती हैं, फिर दराज के इस प्लेटफॉर्म को समझेंगे जो कि है दराज डिजिटल सहूलत अकाउंट। हर चीज का कोई ना कोई बेनिफिट होता है, तो दराज डिजिटल सहूलत के बेनिफिट्स क्या हैं, दराज डिजिटल सहूलत के लिए क्राइटेरिया क्या है, कौन एलिजिबल है इसके लिए, दराज पे डिजिटल गुड्स तो आप बेचना चाहते हैं लेकिन कैसे इसको फाइनलाइज करें, कैसे सिलेक्ट करेंगे कौन सी गुड्स आप बेचेंगे, उसका तरीका समझेंगे। जो चीजें आप दराज पे नहीं बेच सकते हैं कि प्रोहिबिटेड हैं उसकी लिस्ट देखेंगे। जब इनिशियली आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी तो उसके बाद हम दराज डिजिटल सहूलत का अकाउंट क्रिएट करना सीखेंगे। कोई भी अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगला सवाल होता है कि इसको सेल कैसे किया जाए, तो दराज डिजिटल शॉप के ऊपर आप डिजिटल गुड को कैसे बेच सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। डिजिटल गुड सेल करने के लिए आजकल हर प्लेटफॉर्म कुछ रिक्वायरमेंट्स करता है, तो वो रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि कोई चीज आपने कैसे अपलोड करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर अकाउंट क्रिएशन, तो वो सीखेंगे। और इन सब के बाद आखिर में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कि आप अच्छा दराज डिजिटल सेलर कैसे बन सकते हैं। इन सब चीजों को सीखने और समझने के लिए आपको देखनी पड़ेगी पूरी वीडियो। अगर आप पूरी वीडियो देख लेंगे तो फिर आप दराज सहूलत अकाउंट पे दराज डिजिटल गुड सेल कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। व्यूअर, जैसा कि आप इंट्रो में देख चुके हैं कि मैंने आपको बड़ी लंबी तफसील बताई, यानी कि तमाम वो क्वेश्चंस आपके सामने रखे जो दराज डिजिटल सहूलत और डिजिटल गुड के वाले से हमने इस वीडियो में करने हैं और आपके होते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप दराज डिजिटल अकाउंट भी बना पाएंगे, गुड्स को सेल भी कर पाएंगे, सिलेक्ट भी कर पाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग जो मैंने क्वेश्चन आपसे शेयर किए हैं। स्टेप बाय स्टेप उन क्वेश्चन को मैं आपके सामने रखता हूँ और उनके आंसर करता हूँ, और उससे आपको समझ भी आएगी और आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। तो फटाफट सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मीन्ड बाय डिजिटल गुड्स, डिजिटल गुड्स का क्या मतलब है। तो डिजिटल गुड्स को पहले समझ लीजिए, वो हर वो चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, एक जो ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है ना कि जिसको आप छू नहीं सकते वो डिजिटल गुड्स हैं। लेकिन मैं आपको इसको और आसान तरीके से समझा दूँ कि हर वो चीज़ जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिस फिज़िकली जिसको आप पकड़ नहीं सकते, जिसको आप छू नहीं सकते, फिज़िकली जिसको आप अपने पास रख के बेच नहीं सकते, किसी को दिखा नहीं सकते, वो तमाम चीज़ें डिजिटल गुड्स में आ जाती हैं। इसके साथ मैं थोड़े से कुछ एग्जांपल्स आपके सामने शेयर कर देता हूँ। जैसे ई बुक्स हैं, एक तो बुक होती है वो जो आप जिसको पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बुक वो होती है जो आप ऑनलाइन स्क्रीन के ऊपर अपने सिस्टम के ऊपर या ऑनलाइन किसी वेबसाइट के ऊपर रीड कर रहे होते हैं, वो आपकी डिजिटल प्रोडक्ट बन जाती है। हर वो चीज़ जो आपकी डिवाइस के अंदर है, हर वो चीज़ जो आपके सिस्टम के अंदर है, वो चीज़ें आपकी डिजिटल गुड्स बन जाती हैं, जिसको आप ऐसे निकाल नहीं सकते। उसी के अंदर रहते हुए, सिस्टम के अंदर रहते हुए, ऑनलाइन रहते हुए आप उसको डील कर सकते हैं, सेल या परचेज कर सकते हैं, तो वो आपकी तमाम डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। इसमें कुछ फोटोज़ आ जाती हैं, लोगोस आ जाते हैं, ग्राफिक्स आ जाते हैं, फिर आपकी ई बुक्स आ जाती हैं, फिर इलेक्ट्रॉनिक टिकट्स आ जाती हैं, आपके सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, आपके टेम्पलेट्स आ जाते हैं, आपकी वेबसाइट आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो मज़ीद इनको डिस्कस करेंगे जब आपका अकाउंट क्रिएशन कर रहे होंगे इसको, कि आपने कौन सी वहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं। अच्छा जी, अगला सवाल है कि डिजिटल सहूलत अकाउंट क्या है। दराज ही का बनाया हुआ, दराज आपको पता है ई-कॉमर्स वेबसाइट है, इसी का बनाया हुआ एक पोर्शन है, इसी का बनाया हुआ एक अकाउंट है जो डिजिटल प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफिक कर दिया गया। अब वही जो डिजिटल प्रोडक्ट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, वही इस डिजिटल सहूलत अकाउंट में आप सेल कर सकते हैं। तो आसान अल्फाज में जो उन्होंने डेफिनेशन दी वो ये है कि दराज डिजिटल सहूलत अकाउंट इज अ वन स्टॉप शॉप फॉर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन दराज। इट अलाउज सेलर्स टू क्रिएट देयर ऑन डिजिटल स्टोर एंड सेल अ वाइड रेंज ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ई बुक्स, सॉफ्टवेयर्स, ऑनलाइन कोर्सेज, म्यूजिक, मोर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो डिजिटल सहूलत अकाउंट दराज सेलर सेंटर की तरह ही एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसी के अंदर इनको मर्ज किया गया है और उसी के अंदर ऑप्शन दी गई है। आगे हम चल के इसको मजीद देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। देखें जी, इसके बेनिफिट्स आपको मैं वैसे समझा देता हूँ आपको। इसके बेनिफिट्स आपको ये हैं कि आपको कोई स्टॉक नहीं करना पड़ेगा इन्वेंट्री का, कोई इन्वेंट्री ला के स्टॉक नहीं करना पड़ेगा, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आपको कन्विंस नहीं करना पड़ेगा जाके, इसके कुछ सैंपल्स आपको नहीं रखने पड़ेंगे। ये आपकी टाइम सेविंग है, आप ऑनलाइन एक चीज़ आपने अपलोड कर दी है, आप जो सर्विसेज दे रहे हैं आपको इसके लिए कुछ तैयारी नहीं ऐसी करनी पड़ेगी, आपने एक अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। जो ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा, फास्टली डिलीवर होता है। ये चीज़ अपलोड की हुई आपने तो वो स्टॉक ख़त्म होने का चक्कर भी नहीं है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके। तो इसमें मोटे मोटे मैं इन्होंने जो बताया मैं आपको डेफिनेशन कुछ शेयर कर देता हूँ। जैसे ईजी टू यूज़ है, ऑडियंस बड़ी मिलती है इसकी, फिर कन्विंस नहीं करना पड़ता पीपल्स को, ट्रांसपेरेंसी है, एफिशिएंसी है, अफोर्डेबिलिटी है इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एक्सेसिबिलिटी बहुत ईजी है।
तो ये इसके दराज डिजिटल सोलर अकाउंट के बेनिफिट्स हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स के आपके जो बेनिफिट्स हैं वो सारे ये हैं। उसके बाद अगली जो बात है वो है प्रैक्टिकल की तरफ भी आएंगे, प्रैक्टिकल की तरफ भी आएंगे, उसमें परेशानी होना आपने, हर वो क्वेश्चन क्लियर किया जाएगा जो दराज डिजिटल सोलर अकाउंट और डिजिटल गुड्स से रिलेटेड है। अगला सवाल है आपका, हु इज एलिजिबल फॉर दराज डिजिटल सहूलत और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका? देखिए जी, इसके लिए मेन तो वही क्राइटेरिया है जो आपका उसका है, दरअसल सेंटर का है, लेकिन फिर भी कुछ इसमें एक अच्छी चीज़ ऐसी है जो इजाफी है। जैसे कि एक तो आपको पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, अगर आप पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, सिटीजन या रेजिडेंट यहाँ का होना ज़रूरी है, 18 साल कम से कम आपकी उम्र हो, ताकि आपका आईडी कार्ड भी चाहिए होगा, तो 18 साल का आपका आपकी एज होनी चाहिए और आपका आईडी कार्ड बना हुआ हो। उसके बाद बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है, बैंक अकाउंट जब होगा तो उसके लिए फिर वही जो चेक इन की रिक्वायरमेंट है वो हो, या इजी पैसा का अकाउंट होना ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, ईमेल बनाना कोई मुश्किल नहीं, आप बना सकते हैं, फ़ोन नंबर आपका डेफिनेटली होगा जब वो बिज़नेस कर रहे हैं तो। और उसके बाद यू मस्ट हैव अ वैलिड बिजनेस लाइसेंस इफ़ यू आर सेलिंग डिजिटल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ अ बिजनेस। अगर आप किसी की प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो फिर उसके लिए लाइसेंस चाहिए, सॉफ्टवेयर के किसी कंपनी का आप बेच रहे हैं तो लाइसेंस डेफिनेटली और मस्ट चाहिए आपको। और अगर इसी तरह आप कोई ऐसी डिजिटल प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो किसी जो कंपनी अपने डीलर्स को देती है, तो आपको आपको ऑथोराइजेशन लेटर चाहिए होगा। बाकी एजुकेशन वगैरह के लिए आपको सब चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, तो चंद एक चीज़ें जिसमें आपको कुछ लेटर या अथॉरिटी लेटर या कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर लाइक कोई ई टिपिंग शिफ्टिंग इस तरह की जो मामला हैं जो किसी कंपनी से रिलेट करते हैं और आप उनके बिहाफ पे सेल करें, तो वहाँ पर आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अगर आप मीट करते हैं तो आप दराज सोलर अकाउंट बना सकते हैं। फिर अगली ऑप्शन है कि दराज को कोई अगर आपने गुड्स बेचनी है तो वो आप पहले कैसे उसको जा रहे हैं, कोई भी बिज़नेस शुरू करने से पहले आप उसकी तहकीक करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आपने अगर बेचनी है तो आप उसकी तहकीक करते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट मैं लेकर आऊँ, कैसे उसको फाइंड आउट करूँगी मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहेगी, या इसका कितना मार्जिन होगा, इसमें कितना कमीशन दराज रखेगा, दराज के वजह से अगर बात की जाए तो इसमें हम दो चीज़ें हम एक तो चल के देखते हैं, एक इनकी कैटेगरी जो दी हुई है, हम कैटेगरी को देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी कैटेगरीज दी हुई हैं, और दूसरा फिर हम उसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि कमीशन इन्होंने कितना चार्ज करना है, तो आप किस प्रोडक्ट में फिर डाइव करें। वैसे तो प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट की कमीशन के वाले से हम नेक्स्ट जो इसकी वीडियो होगी उसमें हम मैं आपको 70 से ज़्यादा 70+ डिजिटल प्रोडक्ट्स बताऊंगा कि जिनको आप सेल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़रा ये वाली डिटेलिंग मिलेगी, इसमें हम जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट में आपने इंटर में सुने हैं वो बताए जाएंगे। तो फाइनलाइज करने के लिए हम चलते हैं स्क्रीन पे और थोड़ा सा स्क्रीन पे इसको ओवरव्यू करते हैं कि आप परफेक्ट कैटेगरी कैसे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, आपने दराज का जैसे लॉगिन कर लेंगे ना, दराज यूनिवर्सिटी में चले जाना है और वहाँ पे कमीशन लिस्ट ओपन कर लेनी है, यहीं से आपको कैटेगरी भी पता चलेगी और यहीं से आपको कमीशन भी पता चलेगा। करना है क्या, लिस्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल एफ करना है और उसके बाद आपने लिख देना है डिजिटल गुड्स और एंटर कर दें। जैसे डिजिटल गुड्स लिखेंगे एंटर करेंगे, आपके सामने डिजिटल गुड्स की जितनी भी कैटेगरी जितनी भी सब कैटेगरी है वो सारी आइटम्स आपके पास यहाँ पे आ जाएंगी। आप समझ लें कि आपकी आपने कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है, क्योंकि आपकी सब कैटेगरी आपको बता देगी आपकी मेन कैटेगरी कौन सी है। जैसे कि थोड़ा सा ओवरव्यू हम कर लें तो देखें, डिजिटल गुड्स तो मेन एक चीज़ है ना, ये मेन हेडिंग है। उसके बाद कैटेगरी इसमें जो आती है बिजनेस सर्विस आ रही है। बिजनेस सर्विस के अंदर आप देखें तो मार्केटिंग मार्केटिंग डेफिनेटली डिजिटल मार्केटिंग होगी, वेब होस्टिंग आ रही है, ये आ रही है, इसका कमीशन आगे लिखा है जी 5%। आप परसेंटेज को देखते हुए अपनी कैटेगरी को और अपनी सर्विसेज को सिलेक्ट कीजिएगा, ये लाजमी। इसके बारे में डिटेल वीडियो, वैसे मैं अगला जो टॉपिक बनाऊंगा ना उसमें डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा आपको कि डिजिटल प्रोडक्ट कौन कौन सी हैं और कौन सी आप दराज पे चला इसको अपलोड करके अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, तो वो अगली वीडियो लाजमी देखिएगा, उसमें 70+ मैं आपको आइडियाज़ दूंगा। बहरहाल अभी यहाँ पे थोड़ा गौर कर लें, बिजनेस सर्विसेज में ये दो देख लिया आपने, उसके बाद दराज कॉरपोरेट गिफ्ट कार्ड्स। अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको यहाँ नाम दिख रहा हो और वहाँ आप जब अकाउंट क्रिएट कर रहे हो ना मिल रहा हो, तो अदर्स में आपने जाके क्रिएट कर देना है। बाकी एजुकेशन सीधी सीधी कैटेगरी है, आप एजुकेशन वाली देख रहे हैं 6% है। फाइनेंशियल सर्विसेज में इंश्योरेंस आ रहा है, मैं आपको अभी और भी बताऊंगा इसमें। फिर इसी तरह आप गेमिंग एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर में देख लें, प्ले कार्ड्स, एंटरटेनमेंट मेंबरशिप, गेमिंग कार्ड, शॉपिंग कार्ड, गिफ्ट कार्ड, सोशल मीडिया ऐप एंड अदर गिफ्ट कार्ड, इसके आगे परसेंटेज भी लिखी है 7, 7, 7, ये 5% है गेम की, ये एंटरटेनमेंट सब्सक्रिप्शन जो है वो कार्ड, ये तकरीबन 7% है। इस तरह होम सर्विसेज है, इसमें इंस्टॉलेशन है, मेंटेनेंस है, रिपेयर है, और फिर लोकल वाउचर्स में एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट में लोकल वाउचर्स आ जाते हैं, फिर अपैरल फैशन आ जाता है, ब्यूटी वेलनेस इसमें, फिर आगे फिटनेस आ जाती है ये, फिर आगे फूड एंड बेवरेजेस में मील्स आ जाती हैं, हेल्थ एंड फिटनेस में उन्होंने डायरेक्ट कैटेगरी दी हुई है, आप इसकी सब कैटेगरी निकाल सकते हैं।
टोटल अटेंडेंस में देखें तो 4.4% बड़ी लीस्ट है इसकी परसेंटेज, ये आप देख सकते हैं। इसमें डिटेल में मैं फिर बात करूँ, डिटेल में कि मैं मजीद अगले लेक्चर में जाऊँगा, अभी आप यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी देखें, उनकी परसेंटेज देखें। और जी इसके बाद ट्रैवल वाउचर्स हैं, फिर सेलर सर्विसेज भी आती हैं, ये अदर्स में चली जाएंगी। कुर्बानी सर्विस भी इन्होंने ऐड किए नहीं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, कुर्बानी सर्विसेज भी नहीं ऐड किए हैं, वो 3.8% है। अच्छा जी, डिजिटल एडवर्टाइजिंग है, CGS न्यूज़ है, फोटोग्राफी एडिटिंग है, शॉप मैनेजमेंट, यानी कि आप अगर द्रास के लिए शॉप मैनेजमेंट भी देना चाहते हैं या कोई और भी अमेजोन वगैरह भी है, तो वो आप यहाँ 5% इनको कमीशन पे करके सर्विसेज दे सकते हैं। तो ये सारी जो कैटेगरीज आपको दिख रही थी, ये डिजिटल गुड्स की कैटेगरी है, इनमें से कोई भी आप अपनी सेलेक्ट कर लें। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा शीट का, आप खुद भी निकाल सकते हैं नारायण यूनिवर्सिटी से, और आगे आप कमीशन देखते हुए अपनी आइटम देखते हुए इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, तो आपने दराज की कैटेगरी देखी और देखा उसमें कितना कमीशन है। जब आप इस चीज़ को फाइनलाइज कर लें तो उससे पहले एक चीज़ और समझने वाली है कि दराज ने किन चीज़ों की, यानी कि किन डिजिटल गुड्स की सेल अपने प्लेटफॉर्म पे प्रोहिबिटेड की हुई है, मना की हुई है कि आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो उसकी भी एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, वो लिस्ट आप देख लीजिए और आपने वो चीज़ें सेल नहीं करनी। अच्छा, अगली चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई कौन सी चीज़ दराज पे नहीं बेचनी, तो उसके उसके लिए भी ये लिस्ट ओपन है, इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आप यहाँ वीडियो में गौर कर लें कि कौन कौन सी चीज़ें जो आप नहीं बेच सकते, दराज पे दराज मना करते हैं, अलाउ नहीं करता। एक्सटर्नल लिंक्स, यानी कि कोई भी आपने फॉर एग्जाम्पल आपने अगर वो ली हुई एफिलिएट मार्केटिंग का, आपने किसी से भी कोई किसी भी का भी एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन किया हुआ है, तो आप उसका लिंक यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे, नो एक्सेप्शन, कोई चक्कर ही कोई नहीं है जनाब, तो वो अलाउ नहीं करता दराज की पॉलिसी की, वो एक्सटर्नल लिंक्स अलाउ नहीं करती है। वीपीएन नहीं भेज सकते आप यहाँ पे, वीपीएन होते हैं आपको पता है कि वो कि और लिंक लगा के बाहर के मुल्क में आप लैंड कर जाते हैं, तो वो नहीं जनाब आप काम कर सकते, क्योंकि तो दो नंबर ही है वो। शेयर्ड प्रोफाइल्स, अकाउंट, सब्सक्रिप्शन और एनी शेयर्ड स्क्रीन, यानी कि नेटफ्लिक्स हो गया, होलो हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, इनकी जो प्रोफाइल्स हैं या अकाउंट्स हैं या सब्सक्रिप्शन है, वो आप सेल नहीं कर सकते। यानी कि लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज नॉट अलाउड बिकॉज ऑफ कॉपी राइट इशूज, ठीक है जी। और उसके बाद अगर आप देखें तो क्रैक नॉन जेन्युइन विदाउट ब्रांड वारंटी सॉफ्टवेयर भी, लाइक IDM है, विंडोज कीज हैं, ये भी आप नहीं बेच सकते यहाँ पे। नॉन जेन्युइन एंड अनऑथोराइज ऑनलाइन कोर्सेस भी नहीं बेच सकते आप। एनी मिनी क्लिप, गेम, गिफ्ट कार्ड, इन गेम कॉइन्स, इनके लूडो स्टार, टीन पत्ती, यानी का जो ये हराम काम है, जुए छुए वाले, ये वाले भी आपने नहीं पे करने, यहाँ पे ये नहीं बेच सकते आप। सोशल मीडिया व्यूज, लाइक्स और शेयर ये भी नहीं बेच सकते, क्योंकि ये भी तरह से जेन्युइन और रियल वर्क नहीं है, फेक काम है, इसलिए आप ये नहीं कर सकते। क्रीम और उबर के क्रेडिट्स नहीं बेच सकते आप यहाँ पे। बचत वाला कार्ड, इसमें बहुत फ्रॉड होता है, बहुत नंबरी होती है, इसलिए दराज चाहता है कि ये वाले काम भी यहाँ पे ना किए जाएँ। जी सूट, शेयर, गूगल ड्राइव एक्सेस, SMS मार्केटिंग सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पे भी डाटा लीक होता है, तो इसलिए वो भी नहीं। व्हाट्सएप ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज, ये इसलिए दोनों चीज़ें मना कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा लीक होता है, लोगों का नंबरिंग्स आती हैं, यहाँ पे लोग नंबर भेजते हैं लोगों के ना इकट्ठे करके, तो वो भी फ्रॉड भी काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर ना, फेक लिस्ट बना के बेची जाती है। तो ये चीज़ें आप नोट कर लें, ये आपने जनाब यहाँ पे नहीं बेचनी। उसके अलावा ये लिंक दे रहा हूँ आपको, इस लिंक में मज़ीद डिटेल भी है, आप उसको भी गौर फिक्र कर सकते हैं। तो अब आप उन तमाम मराहल से गुजर चुके हैं जो इनिशियली आपको अंडरस्टैंड करने थे। अब बारी है दराज डिजिटल सहूलत अकाउंट क्रिएट करने की। तो दोबारा स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि दराज डिजिटल सहूलत अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर चलने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता दूँ, अगर तो आप बिल्कुल न्यू हैं, आपने दराज सेलर सेंटर का अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो भी तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आपने प्रॉपर सबसे पहले अकाउंट को क्रिएट करना है। मैं एक वीडियो का लिंक ऊपर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप उसको समझ लें कि अगर दराज का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सिंपल, वो आप जब क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आपने जस्ट प्रोडक्ट अपलोड करनी होगी। हम चूँकि क्रिएट किया हुआ पहले अकाउंट है दराज सेलर सेंटर का, तो उसी के अंदर एक ऑप्शन जो है दराज डिजिटल गुड्स की या दराज डिजिटल सहूलत अकाउंट की, हम उस स्टेप से स्टार्ट करेंगे। आपने अगर स्टार्ट से देखना है कहाँ से क्रिएट करते हैं, तो फिर आई बटन में आपको दे चुका हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, या मेरे प्लेलिस्ट ओपन कर लें, वहाँ पे आप देख लेंगे हाउ टू क्रिएट दराज अकाउंट, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। हम सिर्फ दराज डिजिटल गुड का अकाउंट जो दराज सेंटर बने हुए से हम स्टार्ट करते हैं, वहाँ से स्टार्ट करूँगा। अच्छा जी, अब हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आप होम पेज पे जैसे लॉगिन करके आ जाते हैं, तो यहाँ पे नीचे आप आएंगे, बॉटम में लिखा हुआ है डिजिटल गुड्स, यहाँ पे आपने अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, पीछे मैंने आपको शीट दिखाई थी उसी को देखते हुए आपने यहाँ पे अपनी कैटेगरी डिक्लेयर कर देनी है। अब कोई भी ऐसी ऑप्शन जो आपको यहाँ ना दिख रही हो, आपको समझ नहीं आ रही हो कि भाई मेरी जो प्रोडक्ट है, मेरी जो आइटम है,
नई जो डिजिटल गुड्स है वो यहाँ पे मेंशन ही नहीं हो रही उसकी कैटेगरी, तो आप सिंपल अदर सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। याद रखिएगा ये नोट पढ़ लें, एज अ डिजिटल गुड्स सेलर यू कैन ओनली सेल वन ऑफ द कैटेगरीज बिलो, प्लीज सेलेक्ट द कैटेगरी दैट यू आर इंटरेस्टेड टू सेल। एक बार आपको एक ही ऑप्शन मिलेगी, इसलिए एहतियात से ध्यान से ओके सबमिट पर क्लिक करेंगे। अच्छा ये मैसेज आपको आ रहा है, आप रीड आउट कर लें। सिंपल से मैं बताता हूँ कि भाई आपकी जो एप्लीकेशन अप्रूव होगी ना तभी आप प्रोडक्ट टेस्टिंग कर सकते हैं, और आपने वो कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी जो यहाँ फॉल ना कर रही हो। बाकी आप रीड कर लीजिएगा, अनस्टूड पे आप क्लिक कर दें, सक्सेस का मैसेज आ जाता है, उसके बाद आपके पास ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद अगर आप नीचे आके देखें तो आपका लिखा आएगा अंडर रिव्यू, तो ये अप्रूव जब कर देंगे तो फिर आप लिस्टिंग कर पाएंगे। हाँ जी, तो अकाउंट आपका क्रिएट हो चुका है। अब बड़ा मेन इंपॉर्टेंट सवाल है वो ये है कि हाउ टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑन त्रास डिजिटल शॉप। तो ये तो डेफिनेटली सेल करना वही एक सोल्यूशन है कि आप प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, अकाउंट क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट अपलोड करते हैं, उसके बाद फिर उसकी प्रमोशन करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, तो देन वो सेल होती है। लेकिन कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीज़ें बता जाता हूँ सरसरी सी, उससे आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं अपने जहनों में कि आप दराज पे डिजिटल प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर सकते हैं। जैसे कि आपने सबसे पहले तो अकाउंट बनाना है, दराज डिजिटल स्टोर बनाना है आपने, डिजिटल अकाउंट बनाना है आपने, उसके बाद आपने प्रोडक्ट अपलोड करनी है, और फिर जो ऑर्डर्स आपको आएंगे उसको आपने मैनेज करना है। मैनेज कैसे करना है, ऑर्डर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके आपने डिलीवर करना है, जिस तरह से प्रोडक्ट को भी, फिजिकल प्रोडक्ट को भी डिलीवर किया जाता है। पेमेंट प्रोसेस दराज आपको बताएगा, इसकी प्रोसेस पेमेंट करेगा और आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इसको प्रोसीड कर देगा। इसका थोड़ा सा पेमेंट का मेथड मुख्तलिफ होगा इसमें, क्योंकि दराज होल्ड करेगा, वो एक तरह से आपकी थर्ड पार्टी बनेगा, मिड में आपके वो रहेगा, आपके और जो बायर है उसके दरमियान रहेगा, और इस तरह से आपकी प्रोडक्ट दराज के ऊपर सेल हो सकेगी। प्रोडक्ट्स मैंने कुछ पहले भी बताई हैं, दोबारा फिर कुछ मेंशन कर देता हूँ कि आप कौन से प्रोडक्ट इस पर अपलोड कर सकते हैं, बेच सकते हैं। वैसे तो बहुत बड़ी वैरायटी है, हम आगे मजीद 70 प्लस प्रोडक्ट्स जो अगला लेक्चर होगा उसमें देखेंगे इसको, लेकिन अभी थोड़ा सा समझ लें आप। और ई बुक्स हैं, सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन कोर्स है, म्यूजिक है, टेम्पलेट्स हैं, गेम्स हैं, वर्कशीट्स हैं, प्रिंटेबल हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस तरह की। अच्छा, अब एक चीज़ और समझ लें, जो लोग तो अपलोड करेंगे ना अपनी ऐसी प्रोडक्ट जैसे सॉफ्टवेयर है, कोई लाइसेंस की है, कोई गेम्स की कुछ कार्ड्स हैं, या कोई की है, या कोई टिकट्स वगैरह हैं, या कोई कंपनी की ऐसी चीज़ जो जिसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड है या अथॉरिटी लेटर रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जब आप दराज का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। वो क्या कि आपने एक्स फॉर्म फिल आउट करना है जो गुड्स के वाले से होगा, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर चल के समझाता हूँ कि आपने किस तरह से फिल आउट करना है। इस तरह का आपके पास जो एक्स फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे सेलर टाइप सेलेक्ट करनी है, वो है डिजिटल सहूलत। उसके बाद आप यहाँ पे टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, जो भी टॉपिक है, चूँकि अब आपको पिक्चर अपलोड के वाले से प्रॉब्लम आएगी, तो वो आपने जल्दी प्रूफ कराने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से कंटेंट मैनेजमेंट में चले जाना है, और आपने कहना है जी अनेबल टू अपलोड, अब हम अपलोड नहीं कर पा रहे, तो आपकी मेहरबानी होगी जहाँ इसको जल्दी से प्रूफ करें, ताकि हम इतने अपलोड अपनी या अपनी जो प्रोडक्ट है, डिजिटल प्रोडक्ट है, उसको अपलोड कर सकें। अच्छा, जैसे ही वो आपकी जो प्रोडक्ट जो अपलोड नहीं हो रही होगी उसका SKU आप यहाँ लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे, अटैचमेंट करेंगे और सबमिट कर देंगे, इस तरह आपका जो एक्स फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। अब आपने ये भी समझ लिया, उसके बाद बारी आती है कि किस तरह से आपने दराज पे ऊपर, दराज जो डिजिटल सहूलत अकाउंट है उसके ऊपर प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है, डिजिटल प्रोडक्ट कैसे अपलोड करनी है। तो आइए दोबारा स्क्रीन पे चलते हैं और चलते समझते हैं कि प्रोडक्ट कैसे अपलोड की जाती है। अच्छा जी, अब हम करेंगे दराज डिजिटल प्रोडक्ट को अपलोड। तो डिजिटल प्रोडक्ट को अपलोड करने के लिए कोई अलहदा फॉर्म या अलहदा कोई मेन्यू नहीं है, आप जिस तरह आम प्रोडक्ट अपलोड करते हैं इस तरह ही आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो पैनल पे आपको प्रोडक्ट्स लिखा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक कर देना है। व्यूअर्स, सबसे पहले जो आपने यहाँ पे काम करना है वो आपने प्रोडक्ट इमेज अपलोड करनी है। आप अपनी प्रोडक्ट तैयार कर लें, अच्छी सी प्रोडक्ट तैयार कर लें, ताकि जिस जो अट्रैक्टिव लगे और उसको देखते लोग क्या करें, आपकी सर्विसेज को हायर कर लें। तो मैं फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर हर चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, तो इसलिए मैं कोई इतनी अच्छी प्रोडक्ट इमेज अपलोड नहीं करूँगा, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कुछ सैम्पल्स रखे हैं, मैं उसको अपलोड करूँगा। तो यहाँ प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे आप, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ से अपनी आप इमेज जो भी आपने रखी है वो उठा लेंगे। इमेज का साइज़ 300x300 पिक्सल मिनिमम होना चाहिए। अच्छा, ये आपने सेलेक्ट करी, आप मज़ीद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैं यहाँ पे कंफर्म टू अपलोड पे क्लिक कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब उसके बाद आपका जो अगला काम है, अगर तो वीडियो आपने कोई बनाई हुई है तो वीडियो को यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे उसकी URL दें, अदरवाइज आप सिर्फ जो अपने पिक्चर रखी है आप उसको भी लेके चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वीडियो के बाद, आपने यहाँ पे टाइटल देना है, टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं टाइटल दे रहा हूँ जनाब, मैंने सर्विसेज देनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज,
लाइक मैं कहता हूँ कि मैं दूंगा जी फेसबुक मार्केटिंग, ठीक है, और आगे मैं कहता हूँ दिस इज प्रोजेक्ट बेस्ड। ओके, अब इसके वाले से मुझे जो सजेस्ट कर रहा है कुछ, आपको दराज खुद भी सजेस्ट करेगा, वो क्या कर रहा है, वो कहता है जी आप ये ले लें, इसके वाले से ये कैटेगरी बनती है। तो ये है जी डिजिटल गुड्स, बिजनेस और सर्विसेज और मार्केटिंग। तो मुझे लगता है कि ये डिजिटल एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए, खाली मार्केटिंग नहीं है ये। तो मैनुअली जाके मैं जो कैटेगरी सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले तो डिजिटल गुड्स, उसके बाद अच्छा स्पेशल में क्या है, वैसे स्पेशल में कुछ स्पेशल चीज़ें वो हमारे से रिलेटेड नहीं है, हम डिजिटल गुड्स में जाएंगे। और यहाँ पे जाके मैं देखता हूँ सेलर सर्विसेज, और इसमें ये रही डिजिटल एडवर्टाइजिंग। अब डिजिटल एडवर्टाइजिंग में हर तरह की आपकी जो डिजिटल डिवाइस यूज़ हो रही है एडवर्टाइजिंग के लिए वो यूज़ होती है, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से ओके के बटन पे क्लिक कर दूँगा। मेरी जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट हो चुकी है। अब उसके बाद जो मेरा अगला काम है वो ये है कि मैं यहाँ पे बताऊँ कि ब्रांड, तो ये तो इसमें तो प्रोडक्ट में ब्रांड हो नहीं सकता ना कोई, इसलिए नॉन ब्रांड इसको। अगर हमने ब्रांड कोई प्रोडक्ट रजिस्टर्ड करवाया हो अपना कोई नाम तो फिर ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मोड क्या रखना चाहते हैं आप कॉन्टैक्ट का, SMS या और ईमेल, मैं कहता हूँ जी ईमेल। अच्छा उसके बाद मैं यहाँ पे कहता हूँ जनाब कि मुझे जो है ना प्रोडक्ट की हाइलाइट्स देनी है। अब हाइलाइट में भी आप सेम चाहें तो प्रोडक्ट डाटा सेंटर से भी वो उठा सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो अपने और कोई और वीडियो साइज देख लीजिएगा, उसमें कन्फर्म कर दें और वीडियो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा मज़ेदार फीचर दराज ने दिया, वो ये दिया है कि AI को इंटेग्रेट कर दिया है दराज ने अपने प्लेटफॉर्म के अंदर। यानी कि आप अपने जस्ट यहाँ पे आइडिया देंगे और आप इससे प्रोडक्ट हाइलाइट्स लिखवा सकते हैं। तो इसके बाद एंटर कर दूंगा और यहाँ से जनरेट बटन पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ मुझे ये कुछ हाइलाइट दे देगा। मैंने बड़ा भी शॉर्ट सा लिखा है, मैं इसको और अच्छी क्यूरी दे सकता हूँ, ये और अच्छा मुझे जनरेट करके दे देगा, लेकिन बहरहाल मैंने आपको उसे समझाने के लिए भी जल्दी से कोशिश की है। इसको आप यहाँ से कॉपी करें और उसके बाद ये जो हाईलाइट का नीचे दराज का ऑप्शन है यहाँ पे पेस्ट कर, यहाँ से एडवांस सेटिंग भी कुछ आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे फोकस नहीं कर रहा अभी, क्योंकि यहाँ पे आप टोन ऑफ वॉइस चेंज कर सकते हैं, प्रोफेशनल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, और लैंग्वेज भी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इंग्लिश की ऑप्शन देना सही, क्योंकि जो AI है वो इंग्लिश ही समझता है जी। तो यहाँ पे आपने प्रोडक्ट हाईलाइट दी, आप मजीद यहाँ पे लिखेंगे हाईलाइट अपनी, आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी प्राइसिंग प्लान्स क्या हैं, या आप उसमें क्या क्या अकाउंट हैंडलिंग करेंगे, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के, यानी कि जो भी आप डिजिटल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं उस वजह से आपने हाईलाइट देनी है। उसके बाद आप सर्विस यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे जो दे रहे हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे टाइटल को एग्जाम्पल के तौर पर कॉपी करते हैं और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, फॉर 1 अकाउंट, फॉर 1 सर्विस फॉर 1 अकाउंट, ठीक है जी, यहाँ पे हमने लिख लिया। उसके बाद नीचे आपको मजीद आइए दोबारा मिलेगा और यहाँ पे भी कहेगा अगर आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखवाना चाहते हैं तो वो आप लिखवा सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से जनरेट बटन पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से आपको जब ये दे देगा आपको इसमें रीड आउट करना है, कुछ कम करना हो तो कम कर लें, इसको अगर बेहतर करना हो, कुछ ऐड करना हो तो ऐड करके यहाँ पे आपने फिर प्रोडक्ट में डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर आप नीचे आ जाएं तो उसके बाद अगले ऑप्शन आपको यहाँ पे पिक्चर कलर के वाले से अपलोड करने हैं कोई तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि आप सर्विसेज सेल करें तो ज़रूरत नहीं है, आपने यहाँ पे प्राइसिंग देनी है इसकी। आप सर्विसेज जितने भी दे रहे हैं 20,000 में लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी आप 100 कर सकते हैं, क्योंकि 100 बार आप सर्विसेज वो ले सकते हैं। तो आप अप्लाई टू ऑल SKU करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली SKU नीचे दे देगा, आप अपना ना रखेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद जना आप यहाँ पे आप फ्री कोई आइटम देना चाहें वो भी लिख सकते हैं, सर्विसेज की वारंटी कोई, तो वैसे तो यहाँ पर वारंटी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख लें नो वारंटी लिख दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और शिपिंग डिटेल यहाँ पे वैसे ही नहीं आनी, क्योंकि ये सर्विसेज आपकी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस है, इसमें सर्विसेज उसका ऑप्शन ही नहीं है। और उसके बाद जो आपने ऑप्शन पे क्लिक करनी है वो है ये सारा कुछ डेटा देने के बाद सबमिट। अगर तो आपके वहाँ पे जो आपने अप्लाई किया था डिजिटल सहूलत अकाउंट के लिए अगर तो वो अप्रूव हो गया है तो फिर तो ये सबमिट हो जाएगा, अगर आपको अप्रूव अभी तक नहीं हुआ तो फिर ये सबमिट नहीं होगा, तो इसलिए आपको वेट करना होगा और आप इसको सबमिट करके अपनी जो डिजिटल गुड्स हैं उसको सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट अपलोड करना भी आपने सीख ली है, कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपको जब आपके पास चीज़ मौजूद होती है वो तभी हो पाते हैं। लास्ट में सिर्फ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल दराज डिजिटल सेलर बन सकते हैं। उसके लिए देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्लाइंट जब आता है तो वो देखता है कि आपकी रेटिंग क्या है, आपके रिमार्क्स क्या हैं, आपके लोग कमेंट कैसे कर रहे हैं, तो आप खास ख्याल रखें
हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करें, अच्छी रेटिंग आपकी होनी चाहिए, टाइमली उनको प्रोवाइड करें और कम कीमत, मुनासिब कीमत में, कम ऐसा ना हो कि लॉस आपको हो रहा हो, प्रॉफिट आप ज़रूर अर्न करें लेकिन मुनासिब कीमत रखें ताकि लोग उसको देख के ना भागें। आप अपनी सेल में जो भी हो, प्रोडक्ट फिजिकली हो या डिजिटल हो, दोनों में कोशिश करें कि नंबर ऑफ क्वांटिटी आपकी सेल ज़्यादा हो रही हो। और इसी के साथ आप ऑफर्स जो लगती हैं दराज के, जो कैंपेन्स चलती हैं, उनको ज्वाइन करें और आप अपनी सेल इस तरह से बढ़ा सकते हैं, अच्छे और सक्सेसफुल सेलर बन सकते हैं। वीडियो मुकम्मल थी, फुल डिटेल थी, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारा समझाया है और आपको टाइम स्टेप भी दी है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अपनी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।